नमस्कार, उद्देश्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या तक के बीच की सभी महत्वपूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए, प्राकृतिक संख्या वह संख्या होती है जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है, ठीक ना? तो इसको लिखते हैं गणना करने योग्य संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जिनसे वस्तुओं की गणना की जाती है, ठीक ना, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक ना? तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या, ये परिभाषा हो गया। अब इसमें उदाहरण देखते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखिए ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह ये अनंत तक जाता है, ठीक ना? देखिए, ये प्राकृतिक संख्या मैंने लिख दिया 1 से लेकर अनंत तक का, ठीक ना? अब इसके अंदर का जो महत्वपूर्ण तत्व है उसको हम लिख के देखते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु लिखते हैं पहले। महत्वपूर्ण बिंदु, तो पहला देखिए, अगर पूछा जाए क्या शून्य प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए हमने जो भी लिखा है इसके अंदर शून्य नहीं दिख रहा है, इसलिए इसको आप लिखिएगा शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। फिर सेकेंड पॉइंट है ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं, ठीक ना, निगेटिव नंबर्स। तो इसमें क्या है, निगेटिव नंबर्स नहीं दिख रहा है, तो लिखेंगे निगेटिव नंबर्स, ठीक ना? तो कोई भी ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक। थर्ड पॉइंट देखते हैं, भिन्नात्मक संख्या। भिन्नात्मक संख्याएं, ठीक ना, फ्रैक्शनल नंबर, जो भिन्न में होता है, फ्रैक्शनल नंबर। तो देखिए, कोई भी भिन्नात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता। फिर दशमलव की संख्याएं, ठीक ना, ऋणात्मक संख्या में उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे -7, -1, -25, तो ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं होती। इसी तरह भिन्नात्मक संख्या में 1/2, -11/12, तो ये सब भिन्नात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो दशमलव संख्या, दशमलव की संख्या देखते हैं, जैसे 0.75, 1.86, अगर इस प्रकार दशमलव में लिखा हो तो वो संख्या भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ठीक। फिर देखिए, अब इसके अंतर्गत पहला, अब पांचवा पॉइंट में देखते हैं। तो इसमें लिखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, देखिए यहां शुरू हो रही है तो लिखेंगे 1, ठीक। फिर अगर इसी के बाद अगर सबसे छोटी लिखा या इसको सबसे छोटी या पहली प्राकृतिक संख्या या प्रथम प्राकृतिक संख्या, प्रथम प्राकृतिक संख्या, तो इसको 1 होती है। इसी प्रकार सबसे बड़ी
सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृतिक संख्या, ठीक ना, अंतिम प्राकृतिक संख्या। तो देखिए अंतिम में क्या है, अनंत लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि इस तरह की संख्या का अंत नहीं होता, ठीक ना। तो अगर मैं कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर ले लूं तो उसको हम सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते, क्योंकि उसमें अगर वन जोड़ दिया जाए तो एक अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए अगर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो इसको लिखते हैं संभव नहीं है, संभव नहीं है, या ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक ना। तो ये इसका उत्तर होता है। बहुविकल्पी में देता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के में 0, 1, 2 अनंत या संभव नहीं है, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगर इस तरह ये वाले विकल्प मिले तो ये वाला ही सही होगा, न तो 0 न तो 1 न तो -1, -5, ये सब सबसे बड़ी या अंतिम प्राकृतिक संख्या के लिए संभव नहीं है या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ठीक ना। देखिए ये अनंत लिखा हुआ है, ठीक ना, ये कोई संख्या नहीं है, ठीक ना, ये अनंत का चिन्ह होता है, ठीक ना, इनफाइनाइट। तो ये कोई संख्या नहीं है, बस हमको ये दिखाने का प्रदर्शित किया जाता है इसे कि ये संख्या अनंत तक जाएगी, ठीक ना, जिसकी कोई गिनती न की जा सके। तो ये अनंत का बस ये चिन्ह है, ठीक ना। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या के बारे में, ठीक। इन महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से याद करिएगा, पढ़िएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या हो गया, अब इसके आगे हम पूर्ण संख्या पढ़ेंगे। देखिए अभी मैं प्राकृतिक संख्या से शुरू कर रहा हूँ और अंतिम वास्तविक संख्या तक पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत जैसे देखिए ये रहा सेट प्राकृतिक संख्या का। इस प्राकृतिक संख्या के समूह में या समुच्चय बोलते हैं में अगर संख्या जुड़ती जाएंगी तो इसका नाम भी बदलता जाएगा, ठीक। जैसे अभी ये प्राकृतिक संख्या थी, अगर मैं इसको पूर्ण संख्या का इसके आगे लिखूं तो पूर्ण संख्या क्या होती है वो देखते हैं। तो ये हो गया पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको होल नंबर बोलते हैं। ठीक ना, तो इसमें कोई परिभाषा नहीं होती, बस ये होता है कि यदि प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में या सिंपल आप कहिए समूह में या ग्रुप में, ठीक ना, तो प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है तो जो समुच्चय बनता है वो पूर्ण संख्या का समुच्चय होता है, ठीक ना। तो जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5 ये अनंत, ठीक ना, ये प्राकृतिक संख्या का समुच्चय था। अगर मैं इसमें एक जीरो भी जोड़ दूं, शामिल कर लूं, ठीक ना, इसको शामिल करना होता है, शामिल कर लिया तो अब ये जो समूह बना इसको पूर्ण संख्या का समूह बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए प्राकृतिक संख्या थी, इसमें एक मैंने एक संख्या और जोड़ दिया तो ये पूर्ण संख्या हो गई। इसी तरह मैं संख्या जोड़ते जाऊंगा और नई नई संख्या प्राप्त होती चली जाएगी। अब चूंकि ये पूर्ण संख्या हो गया, देखिए जो गुण प्राकृतिक संख्या की थी वही गुण पूर्ण संख्या में भी कुछ तक रहेगा, ठीक ना। देखिए जैसे ऋणात्मक संख्याएं, तो पूर्ण संख्या ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, ठीक ना। तो ये हो गया, ठीक। अब ये जो पहला वाला पॉइंट था कि जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होता, मगर यहाँ जीरो पूर्ण संख्या है, इसलिए पहला पॉइंट को मैंने हटा दिया, ठीक, ये इसमें काउंटिंग नहीं होगा। अब देखिए 2 से इसमें ये गुण लग रहा है, ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, भिन्नात्मक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती, दशमलव की संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। अब देखिए इस वाले पॉइंट में, तो इसको हम 1 से कर देते हैं अब इसको, ठीक ना। तो ये रहा 1, 2, 3 ये 4, ठीक ना, 1, 2, 3 और ये 4, 4 का पहला। देखिए सबसे छोटी या प्रथम पूर्ण संख्या,
तो अब ये वन नहीं, अब ये जीरो हो गया, ठीक ना। और सबसे बड़ी या अंतिम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, ये भी इसका भी होगा, संभव नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इस प्रकार पूर्ण संख्या का पूरा अध्ययन हो गया। अब इसके आगे पूर्णांक देखते हैं, तो पूर्णांक क्या होता है वो देखते हैं। पूर्णांक, इसको इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक इंटीजर, ठीक ना। तो ये क्या हुआ, देखिए जैसे ये अभी तक हमको क्या मिला, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और ये अनंत तक हुआ, ठीक ना। अब मैं इसमें ऋणात्मक संख्या भी शामिल कर रहा हूं, तो माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस फाइव, ये भी अनंत तक जाएगा। तो देखिए अब समूह बढ़ता जा रहा है, नाम भी बदलता जा रहा है, तो ये पूरा पूर्ण संख्या में आता है। तो वे संख्याएं जो या तो धनात्मक हों या ऋणात्मक हों उन्हें पूर्णांक कहते हैं, ठीक ना। जो या तो धनात्मक में हों, ये धनात्मक में है और ये ऋणात्मक में है, इन सबों को जब शामिल कर लेते हैं तो जो समूह बनता है उसे पूर्णांक बोलते हैं, ठीक ना। तो अब इसमें देखिए ये वाला चीज़, ये देखिए ये प्लस वाले हैं, ठीक ना, प्लस लगाने के, ये सब धनात्मक संख्याएं हैं, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक ना, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और ये वाला इधर से जो जितना जा रहा है एरो देना ठीक रहेगा, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा इस तरह का, ऐसे ऐसे। तो ये हो गया ऋणात्मक संख्याएं, तो लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य जो है ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, इसको लिखते हैं ना ही धनात्मक, ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक, ठीक ना। इसको प्लस जीरो नहीं बोलते हैं या इसको माइनस जीरो नहीं बोलते हैं, ठीक ना। जीरो तो जीरो होता है, ठीक ना, तो इसके संग कोई चिन्ह नहीं लगता है, इसलिए इसको ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया पूर्णांक। अब इसके आगे देखते हैं सम संख्या, ठीक ना। सम संख्या आपने बहुत बार पढ़ा होगा, अब चूंकि हम संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं तो इसमें एक तरफ से सभी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो इसलिए एक बार सम संख्या और पढ़ते हैं। तो सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर सिंपल सी परिभाषा है, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है, ठीक ना। वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं, ठीक ना, विभक्त हो जाएं, विभाजित हो जाएं या कट जाएं, सब कुछ कुछ भी इसमें से लिख सकते हैं, सम संख्या कहलाती हैं। देखिए गणित में आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो परिभाषा आप अपने शब्दों में भी लिखिए, बस परिभाषा का मतलब सही आना चाहिए, तो सरल भाषा में भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभक्त हो जाएं सम संख्या कहलाती हैं, जैसे दो, चार, छः, आठ, दस, बारह, चौदह, ऐसे ये चलती चली जाएंगी, ठीक ना। ये हो गया सम संख्या। अब देखते हैं विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या को ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको भी परिभाषा बहुत सरल है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित न हो, ठीक ना, ये विभाजित हो रही है और ये विभाजित नहीं हो रही है, तो उसको विषम संख्या बोलते हैं। तो जैसे यहाँ एक, फिर इसके बाद यहाँ दो हो गया, यहाँ तीन हो गया, चार यहाँ चला गया, पाँच, छः, सात, आठ, नौ हो गया, फिर दस, तो ग्यारह, ठीक ना, ये विषम संख्या हो गई। तो सम विषम हो गया। अब इसके बाद भाज्य संख्या पढ़ते हैं,
देखिए भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक ना, इसी को संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक ना, या इसी को यौगिक संख्या भी बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो भाज्य संख्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। पहले देखिए भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक ना। तो थोड़ा मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए, ठीक ना, तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक ना। तो भाज्य संख्या कहलाती है। इनको आप संयुक्त संख्या और यौगिक संख्या के नाम को भी अच्छे से याद करिएगा, कंपटीशन में किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है, ठीक ना। तो या तो कंपोजिट नंबर, देखिए ये भाज्य संख्या लिखा है और इंग्लिश में कंपोजिट नंबर होता है, मगर इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कंपोजिट नंबर, ठीक ना। तो हो तो गया ना हिंदी में, ठीक ना, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश चीज को ही हिंदी में लिख दिया। अब आप खोजते रहिए कि कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं, ठीक ना। इसलिए आप इस संख्या को जितने भी नाम से पुकारा जाता है उन सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, इन सबों को याद अच्छे से करिएगा, ठीक ना। तो कंपोजिट नंबर हो गया। अब देखिए जैसे मैंने परिभाषा लिखा, एक एवं स्वयं के अलावा ये किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि कौन सी संख्या ऐसी है। देखिए अब इसके बाद उदाहरण याद करके नहीं लिखना है, हम समझ के लिखेंगे। तो देखिए जैसे एक है, तो एक तो एक से ही अपने आप से तो विभाजित, देखिए एक और स्वयं, तो स्वयं मतलब भी ये वन ही हो गया, तो एक तो किसी और से कटा है नहीं, एक से ही कटा बस, ठीक ना, ये किसी अन्य संख्या से नहीं कटा, तो ये तो नहीं हुआ भाज्य संख्या। इसी प्रकार टू को चेक करते हैं, तो टू एक से कटेगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कोई भी संख्या एक से और अपने आप से हमेशा कटती है, ठीक ना, ये गुण होता है संख्या का। तो एक टू ये एक से तो कटेगी, देखिए ऐसे मतलब होता है कटने का, ये एक से कटेगा मतलब एक से भाग देंगे, एक दूनी दो, एक कट गया, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं इसको कि ये संख्या एक से विभाजित हो रही है। इसी प्रकार ये संख्या स्वयं से, स्वयं मतलब संख्या दो, ये अपने आप से भी कट रही है। देखिए जैसे दो को दो से विभाजित करिए, दो एक कम दो, तो ये कहलाता है एक और स्वयं से संख्या से विभाजित होना, इसको बोलते हैं, ठीक ना। तो दो एक से विभाजित हो रहा है, स्वयं से कट रहा है, किसी अन्य से भी कट रहा है क्या, ठीक ना, तो एक किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक से और स्वयं से मगर अन्य से नहीं कटा, ठीक ना, अपने बजाय एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो ये संख्या तब दो नहीं हुआ। इसी प्रकार तीन को चेक करिए, तो तीन को चेक करिए, तो देखिए एक से तो कटेगा ही, एक तिहाई तीन, और स्वयं से भी कट रही है, स्वयं मतलब तीन से, तो तीन एक कम तीन, और अन्य से कट रही है क्या, तो ये अन्य से किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या भी भाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार जब हम चेक करेंगे तो हमको भाज्य संख्या देखिए ये मिलेगी चार, ठीक ना, एक को देख लेते हैं चार, देखिए एक से कट जाएगी, स्वयं से कट रही है, चार से कट रहा है और अन्य से भी कट रहा है, देखिए
अन्य का मतलब ये संख्या दो से भी विभाजित हो रही है, दो दुनी चार, तो अतः एक स्वयं और अन्य मतलब तीनों में टिक लग गया, तो ये अपने को पहली भाज्य संख्या प्राप्त हुई। जब हम इसी तरह का खोजेंगे तो हमको कौन कौन सी भाज्य संख्या मिलती है वो मैं लिखता हूँ, चार छः आठ नौ दस बारह ऐसे। देखिए इस नौ को ध्यान रखिएगा, नौ विषम संख्या है तो इसका मतलब नहीं कि इसमें से नहीं आएगा, ठीक ना, कभी कभी थोड़ा सा डाउट हो जाता है, मगर आपको बस ये रखिएगा एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे तो ये संख्या एक से, ठीक ना, नौ से और तीन से भी कटती है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। तो ये हो गया भाज्य संख्या का समूह। ठीक, अब हम अभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। अब लिखते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर, और इसको असंयुक्त संख्या भी बोलते हैं, असंयुक्त संख्या, और इसको बड़ा अच्छा नाम से बोलते हैं, इसको ऋण संख्या भी बोलते हैं, ऋण संख्या, ठीक ना, परीक्षाओं में कभी कभी ऋण संख्या के नाम से भी प्रश्न आते हैं, ठीक ना। एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ठीक ना, तो एक से बड़ी मतलब एक को शामिल नहीं करेंगे, ठीक ना, उसके बाद जैसे दो तीन चार को चेक करेंगे, ठीक ना, कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है, तो इसको भी लिख लेते हैं, लिखेंगे एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, ठीक ना, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो एक और स्वयं से ही बस कटना चाहिए, ठीक ना, तो हम पता करते हैं कौन कौन सी संख्या है। देखिए सबसे पहले तो एक से बड़ी बोला, तो एक को तो लेंगे ही नहीं, तो हो गया दो। अब इस दो को चेक करेंगे, देखिए ये संख्या एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी और किसी अन्य संख्या से ये नहीं कटेगी, ठीक ना, तो अपने को बस यही दोनों पर टिक टिक लगाना था, ये अन्य पर नहीं लगाना चाहिए था, नहीं लगेगा, तो ये संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो रही है, अतः ये दो अभाज्य संख्या होती है, तो ये दो हो गई। इसी प्रकार तीन देख लेते हैं, एक से कटेगी, स्वयं से कटेगी और किसी अन्य से नहीं कट रही है, तो ये भी संख्या अभाज्य संख्या हो गया। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, चार, तो देखिए एक से कटेगी, चार एक से कट गया, स्वयं से भी कट गया, मगर ये अन्य से भी कट रहा है, अन्य का मतलब ये दो से भी कट रहा है, तो देखिए हमको केवल एक और स्वयं चाहिए था, अन्य से भी विभाजित हो रही है, अतः ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो जब हम इस तरह का चेक करेंगे तो हमको कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी, दो तीन पाँच सात ग्यारह तेरह ऐसे, ठीक ना, तो अभाज्य संख्या इस तरह की संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए अभाज्य संख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक से लेकर सौ तक की गिनती में अभाज्य संख्या पता करेंगे, कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। तो एक से सौ तक की गिनती में हम चेक करेंगे, ठीक ना, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, इसको समझ के लिखेंगे, एक दो बार समझेंगे तो अपने आप लिखना शुरू कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले अभी जैसे बोला एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक ना, तो एक को तो शामिल ही नहीं करेंगे, और अभी हमको दो प्राप्त हुआ था, दो फिर तीन
ठीक ना। देखिए चार जो संख्या फोर जो है वो दो से भी कट जाता है, एक और स्वयं, हमको बस एक चीज याद रखना है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो एक और चार और दो से भी विभाजित हो रहा है इसलिए चार को शामिल नहीं करेंगे। फिर फाइव, फाइव किसी से नहीं कटती, एक और स्वयं के अलावा, छः, छः कट जाएगी, सात, ठीक ना, सेवन हो गया, एट कट जाएगा, नाइन भी कट जाएगा, ठीक ना। देखिए इसमें आप अच्छे समझ के चलिएगा, ठीक ना, कौन संख्या अभाज्य संख्या है और है तो क्यों है, ठीक ना। तो जैसे नौ को हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक और स्वयं, एक और नौ के अलावा तीन से भी विभाजित हो रही है, अतः नौ अभाज्य संख्या नहीं है। अब दस है, ये दस भी नहीं है तो ग्यारह हो गया, ठीक ना। फिर बारह नहीं है क्योंकि दो से ही कट जा रहा है, ठीक ना। हम सबसे पहले बस दो से या तीन से देख चेक कर लेंगे कौन संख्या विभाजित हो रही है। तो एक और स्वयं के अलावा किसी भी एक संख्या से विभाजित अगर हो गई तो बस वो अभाज्य संख्या में शामिल नहीं होगा। तो 12 दो से कट जा रहा है तो नहीं लिखेंगे, 13 किसी से नहीं कटता, 14 भी दो से कट जा रहा है, 15 भी तीन से कट जाएगा, 16 भी दो से कट जाएगा, 17 नहीं कटेगा, 18 दो से ही कट जाएगा, 19 किसी से नहीं कटेगा, ठीक ना, 20 भी कट जाएगा, 21 तीन के पढ़ा में कट जाएगा, 22 दो के पढ़ा से कट जाएगा, 23, ठीक ना, फिर 24 दो से कट जाएगा, 25 भी पाँच से कट जाएगा, 26 देखें, देखिए जैसे 26 है इकाई अंक यहाँ पे सम है ना, तो दो से कट जाएगा, ठीक ना। तो जो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक सम संख्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0, तो वो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, इसलिए अभाज्य संख्या वो संख्या नहीं मिलेगी। तो 26 हम नहीं लिखेंगे, 27 तीन के पढ़ाई में आता है इसलिए नहीं लिखेंगे, 28 भी दो से कट जाएगा, 29 ठीक, 30 कट जाएगा, 31 नहीं कटेगा तो लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक। फिर 32 का दो है इकाई अंक पर तो ये कट जाएगा इसलिए 32 नहीं लिखेंगे, 33 तीन से कट जाएगा, 34 दो से कट जाएगा, 35 पाँच से कट जाएगा, 36 दो से कट जाएगा, 37 लिखते हैं, 37, 38 दो से कट जाएगा, 39 तीन से, 40 दो से मतलब कि केवल दो से हम ये करें, बाकी कटने को तो बहुत सारी संख्या से कट जाएंगी, ठीक ना। तो दो से कट गए तो यह अभाज्य संख्या नहीं रह गई। तो 37, 38, 39, 40, 41 नहीं कटेगा तो 41, ठीक ना। अब देखिए 42 कट जाएगा, 43, 43, ठीक ना, 44, 45, 46, 47 नहीं कटेगा किसी से, 47, 48, 49, 50, 51, देखिए 51 क्या है, 51 तीन से कट जाएगा, ठीक ना। तो तीन से, देखिए ये हमने दो से विभक्ति का नियम ही बता दिया, तीन से विभक्ति का भी छोटा सा देख लेते हैं। देखिए इसके अंकों को जोड़ लीजिए, ठीक ना, 5 + 1 = 6, 6 तीन के पढ़ा से कटता है, अतः ये संख्या तीन से विभाजित हो जाती है, ठीक ना। इसलिए अगर तीन से विभाजित हो गई तो ये अभाज्य संख्या नहीं रह गई, तो 51 को शामिल नहीं करेंगे। 52, 53 किसी के पढ़ा में नहीं आता है, ठीक ना, 54 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 56, 57 को चेक करते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 57 क्या हो जाएगा, 5 + 7 = 12, 12 तीन के पढ़ा से कट जाता है, अतः ये संख्या को तीन से काटेंगे तो कट जाएगा, 3, 19, 53, 57 भी होता है, ठीक ना, 19, 53, 57, तो ये 19 के पढ़ा से भी कट जाएगा या तीन के से काटेंगे तो तीन भी कट जाएगा, इसलिए 57 इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक ना। 58 इकाई अंक पर 8 है तो दो से कट जाएगा इसलिए शामिल नहीं करेंगे, 59 शामिल करते हैं इसमें, 60 कट जाएगा, 61 नहीं कटेगा, ठीक ना, 62 कट जाएगा, दो से कट जाएगा, 63 थ्री से कट जाएगा, 64 टू से कट जाएगा, 65 फाइव से कट जाएगा, 66 टू से कट जाएगा, थ्री से कट जाएगा, 67 किसी से नहीं कट रहा है, ठीक ना, 67, 68 कट जाएगा, 69 कट जाएगा, 70 कट जाएगा, 71 शामिल कर लेते हैं, 72 कट जाएगा, 73 नहीं कट रहा है तो 73 लिख लेते हैं, 74, 75, 76, 77, 78, 79 मिला, 79 नहीं कटेगा, ठीक ना, 80
80 कट जाएगा, 81 नौ नवा 81 कट जाएगा, 82 कट जाएगा, 83 लिख लेते हैं, 83, 84, 85, 86, 87। तो 87 चेक कर लेते हैं, ये कट रहा है क्या, ये जाएगा 8 + 7 = 15, ठीक ना, 7 × 14 = 15, 15 3 के 5 से कट जाता है, अतः ये संख्या को अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसलिए 87 को शामिल नहीं करेंगे। 88 कट जाएगा, 89 को लिख लेते हैं, ठीक ना, ये किसी के 5 से नहीं कटेगा, तो 89, 90 और 91 देखिए कटता है क्या, ये कटता है, देखिए ये 7 के 5 में भी कट जाएगा, 91, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ठीक ना, या 13 × 7 = 91, ठीक ना। तो कभी कभी जब पहाड़ा अगर अच्छे से याद किए रहेंगे तो कुछ संख्या को चेक करने में इजी पड़ता है, ठीक ना, इसलिए हर प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी को कम से कम 25 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। तो ये हो गया, कहाँ तक हो गया, 91, ठीक ना, 92 2 से कट जाएगा, 93 3 से कट जाएगा, 94 95 96 97, तो यहाँ 97 लिख लेते हैं, 98 99 100, ठीक ना। अब इन संख्याओं को गिन के देखते हैं कि कितनी संख्या हमको प्राप्त हुई, देखिए इसमें कहीं कोई याद नहीं किया हुआ है, ठीक ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक ना। तो इससे हमको ये प्राप्त हुआ कि 1 से 100 तक की गिनती में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये पहला तथ्य मिला, लिखेंगे 1 से 100 तक गिनती में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। फिर देखिए, अगर हम 50 तक में बात करें कि 1 से 50 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो गिन लेते हैं, ये 50 तक यहाँ तक हो गई, ठीक ना, तो कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो लिखेंगे 1 से 50 तक गिनती में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। थर्ड देखिए, इस 2 को देखते हैं, ये 2 क्या है, पहली अभाज्य संख्या, लिखेंगे पहली अभाज्य संख्या 2, ठीक ना, और इस 2 की ये खासियत है कि सभी संख्याएं विषम हैं, ठीक ना, हमको अभाज्य संख्या कहीं भी आगे सम नहीं मिलेगा, ठीक ना, ये शुरू का यही एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी हमको कहीं भी सम संख्या अभाज्य सम अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होगी। तो लिखेंगे सम अभाज्य संख्या 2 हो गया, ठीक ना, तो ये हो गया 3 महत्वपूर्ण सूत्र हो गए, ठीक। अब इस पर एक पॉइंट और देखते हैं, देखिए अभी हमने पढ़ा भाज्य संख्या पढ़ा था, तो देखिए ये है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या का उदाहरण पढ़ा था 4 6 8 9 10 12, ठीक ना, और अभी हम यहां लिखते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी मिली यहां इस देख लेते हैं, 2 3 5 7 11, ठीक ना। अगर मैं इन दोनों संख्या का को मिला के एक समूह बना लूं, कि मतलब दोनों संख्याएं को मिला के एक संख्या लिख लेता हूं, पूरा समूह लिखता हूं, तो देखिए क्या मिलेगा, 2 यहां से मिलेगा, 3 यहां से मिलेगा, 2 3 4 यहां से, 5 यहां से, 6 यहां से, 7 8 यहां से, 9 यहां से, 10 यहां से, 11 और यहां से 12, ठीक ना, मतलब गिनती मिल रही है हमको, ठीक ना, मगर इस गिनती में एक की कमी है, ठीक ना,
ये एक यहाँ नहीं आया, ये क्यों नहीं आया? अगर ये एक भाज्य संख्या में अगर होता या अभाज्य संख्या में होता तो ये एक जरूर यहाँ मिला होता। एक नहीं मिला इसका मतलब एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, तो इसको खास तौर से याद रखिएगा। चौथा पॉइंट कर लेते हैं सर, एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक ना? तो यहां तक हो गया अभाज्य संख्याओं के बारे में हो गया। अब हाँ, अब पढ़ते हैं स अभाज्य संख्याएं, तो देखते हैं स अभाज्य संख्याएं, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर तो ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक मतलब SCF एक हो, ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो लिख देते हैं हम, ऐसी दो संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक या SCF एक हो, ठीक ना, सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए जैसे मसा एक होना चाहिए तो देखिए दो तीन, ठीक ना, दो और तीन का मसा ज्ञात करेंगे तो एक आएगा, इसी प्रकार तीन पाँच, इसी प्रकार छः सात, ठीक ना, बारह तेरह, ऐसी ये संख्या का जोड़ा ले लिया हमने, इनका अगर चेक करेंगे तो इनका मसा एक आएगा, ठीक ना, बारह तेरह का मसा एक आएगा, तीन पाँच का मसा एक आएगा। इसमें थोड़ा एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे यहाँ नाम लिखा है स अभाज्य, स अभाज्य है, ठीक ना, स अभाज्य है ये, स अभाज्य संख्या, ठीक ना। तो देखिए इसमें नाम लिखा है अभाज्य संख्या, इसका ये मत समझिएगा कि इसमें केवल अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ठीक ना, इसका इसके नाम से इसके कोई मतलब नहीं है। देखिए ये अभाज्य संख्या नहीं है फिर भी इसको शामिल किए हैं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना। तो स अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बस केवल ऐसी कोई भी दो संख्या हो सकती है जिनका मस एक हो, ठीक ना। तो ये हो गया स अभाज्य संख्या। एक होता है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, तो इसमें होता है ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ठीक ना, इसमें अभाज्य संख्या होनी चाहिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनमें दो का अंतर हो, तो इसमें आपको याद रखिए इसमें अभाज्य संख्या ही होना चाहिए, और दो ऐसी संख्या ले लीजिए जिनका अंतर, इनमें अंतर दो का हो, जैसे तीन पाँच, ठीक ना, ये दोनों अभाज्य संख्या है, पाँच में से तीन गया दो, अंतर दो का आया, इसी तरह पाँच और सात ले लेते हैं, पाँच और सात भी अभाज्य संख्या है, अंतर भी इनमें दो का आया, इसी प्रकार ग्यारह तेरह, ठीक ना, ग्यारह बारह तेरह, दो दो का अंतर है इसमें, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए जिनमें अंतर दो का हो, तो ये सब कुछ उदाहरण हो गए। एक होता है संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या को बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक ना, तो लिख लेते हैं इसका परिभाषा, वैसी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या जिनके अपवर्तकों, अपवर्तकों का योग
अपवर्तकों का योग संख्या मान से दुगुना हो, ठीक ना, संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, 6। देखिए अपवर्तक का मतलब होता है ये 6 कौन कौन सी संख्या से विभाजित है। तो देखिए लिखते हैं, 1 से कटना ही है इसको, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और संख्या स्वयं 6 से भी कट जाएगा। अब इनका इन सभी अपवर्तकों का योग देख लेते हैं। देखिए 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12, तो ये 12 आया। तो इनके अपवर्तकों का योग देखिए 12 आया और संख्या के मान का दुगुना आया, तो इसी को बोलते हैं ये संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। इसी प्रकार 28 को देख लेते हैं, तो इसको देखते हैं तो देखिए 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 7 14 और 28 इन सबों से कट जाएगा। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, देखिए कि 56 आया। ये 56 देखिए 28 का डबल आया, ठीक ना, तो संख्या मान से डबल आया। अतः ये 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। और इनकी ये खासियत है कि ये 1 से 100 तक की गिनती में यही दो संख्या ही संपूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ठीक ना। अब देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होती है वो देखते हैं। परिमेय संख्या या संख्याएं, ठीक ना, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये होता है वे संख्याएं जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हों, है जबकि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, ठीक ना। तो ये परिभाषा लिख लिया। अब मैं कुछ उदाहरण देखते हैं, अब हम लोग कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। ग्यारह बटे बारह, 7 - -7/5, -8/5, 0 - 0/7, 7/0, ठीक ना। ये कुछ संख्याएं हैं, उसको चेक करते हैं कि क्या ये संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो देखिए सबसे पहले 11/12 को चेक करते हैं। तो 11/12 को देखिए, देखिए ये है P, जैसे P बाई क्यू के रूप में है, ठीक ना, तो P ये रहा, Q ये रहा। देखिए P और Q दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, ठीक ना। पूर्णांक का मतलब 0 से 1, 2, 3, 4 इधर, -1, -2, -3 इधर, ठीक ना, ये सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। तो देखिए 11 और 12 ये दोनों पूर्णांक हैं, तो P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है, और ऊपर और नीचे दोनों ही पूर्णांक हैं, ठीक ना, 11 12 दोनों पूर्णांक होते हैं। और इसमें Q बराबर 0 नहीं है, मतलब नीचे वाला, ठीक ना, एक Q है ना, नीचे में है, हर में है, तो 0 नहीं है। तो इस प्रकार ये परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को अच्छे से समझिएगा। अब -7/5 है, तो इसको चेक करेंगे क्या ये P बटे Q के रूप में है। तो ये P बटे Q के रूप में तो है, अब क्या है P और Q दोनों पूर्णांक हैं कि नहीं। तो देखिए -7 भी एक पूर्णांक है, -7 एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक, मगर पूर्णांक है। +5 तो ये भी एक पूर्णांक है, पूर्णांक के अंदर ये धनात्मक पूर्णांक है, मगर है तो ये पूर्णांक ही। इस प्रकार P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है
और दोनों पूर्णांक है और नीचे वाला जीरो तो नहीं है, ठीक ना। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, p बटे क्यू के रूप में है, दोनों पूर्णांक हैं और हर मतलब q बराबर जीरो नहीं है, तो ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। अब देखिए इसको माइनस सेट लिखा हुआ है, तो माइनस सेट क्या p बटे क्यू के रूप में लिखा है क्या? तो ये नहीं लिखा है, ठीक ना। तो मगर क्या चेक करिए कि क्या इसको लिखा जा सकता है क्या, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, तो माइनस एट बटे एक लिख सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए परिभाषा में ही लिखा रहता है के रूप में लिखा जा सके, ठीक ना। ऐसा नहीं लिखा है कि के रूप में हो, तो इस रूप में पी बटे क्यू के रूप में तो है नहीं, मगर लिखा जा सकता है। तो माइनस आठ बटे एट एक, तो इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख लिया। अब देखिए ये दोनों पूर्णांक भी है, एक भी पूर्णांक है, माइनस एट भी पूर्णांक है, नीचे वाला जीरो तो नहीं है, इस प्रकार ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक। अब माइनस पाँच पाँच, तो पाँच पी बटे क्यू के रूप में नहीं है, मगर लिखा तो जा सकता है, और पी बटे क्यू में लिख लिया, नीचे वाला जीरो तो नहीं है, इस प्रकार ये परिमेय संख्या हो गई। शून्य क्या एक परिमेय संख्या है, चेक करते हैं। देखिए ये शून्य बटे एक लिख लिया, ठीक, तो p बटे q के रूप में लिखा गया। जीरो और भी एक पूर्णांक है और एक भी एक पूर्णांक है, तो ये दोनों पूर्णांक भी हो गए। नीचे वाला जीरो तो नहीं है, ऊपर वाला है उससे अपने मतलब नहीं, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार शून्य एक परिमेय संख्या है। देखिए ये एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पहला ही प्रश्न पहले प्रश्न में ही है, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसको p बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक ना। तो हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, इसको p बटे क्यू के रूप में भी लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ठीक ना, p बटे क्यू के रूप में लिख गया, तो ये हो गया। अब 0/7 को देखिए, तो 0/7 पी बटे क्यू के रूप में लिखा हुआ है, नीचे वाला जीरो तो नहीं है, इस प्रकार ये भी परिमेय संख्या है। देखिए 0/ कुछ भी हो उसका आंसर जीरो ही आता है, ठीक ना। इसको चेक करते हैं। अब देखिए ये p बटे क्यू के रूप में तो है, ठीक ना, p बटे क्यू के रूप में है, ठीक है, p और q दोनों पूर्णांक भी हैं, ये भी ठीक है, मगर नीचे हर जीरो तो नहीं है, तो यहाँ जीरो है, इस प्रकार यही एक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। बाकी सभी संख्याएं परिमेय संख्या के उदाहरण थे। उम्मीद है आपको अच्छे से परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब परिमेय संख्या हो गया, अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक ना। तो नहीं लिखा जा सके, तो जैसे कुछ उदाहरण हैं, करणी 2, करणी 5, करणी 7, पाई, ठीक ना, करणी 11, करणी 13, कोई भी संख्या जो करणी के अंदर हो, ठीक ना, तो करणी 2, करणी 5, करणी 7 और एक पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। ये हो गया अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक ना, ये संख्या का परिभाषा होता है वे ऐसी संख्या जिनमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को शामिल किया जाता है, ठीक ना।
इसमें लिखते हैं परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जब दोनों संख्याओं के समूह को जब शामिल कर लेंगे तो जो संख्या का समूह पूरा सेट बनेगा उसको वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या सबसे बड़ा सेट होता है, उसके अंतर ही परिमेय अपरिमेय सभी संख्या को शामिल किया जाता है। देखिए यहाँ तक हमने संख्याओं के बारे में पढ़ा, तो अगर मैं इस टू के बारे में बात करूँ कि टू के बारे में बताएं कि क्या चीज़ है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये टू प्राकृतिक संख्या है, ठीक ना। देखिए अभी तक हमने संख्या पढ़ा तो उसके आधार पर हम दो इस दो को कितने प्रकार से बोल सकते हैं वो देखते हैं। देखिए टू प्राकृतिक संख्या है, सही है। दो एक प्राकृतिक संख्या है, फिर अब चेक करें क्या पूर्ण संख्या है क्या ये, तो दो एक पूर्ण संख्या भी है, ठीक ना। कोई बोले प्राकृतिक संख्या तो बोलेंगे वो भी सही है, पूर्ण संख्या है वो भी सही है। इसके बाद हमने पूर्णांक पढ़ा था तो ये पूर्णांक भी है। फिर इसके बाद ये सम संख्या है, ठीक ना। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था भाज और अभाज, तो भाज्य संख्या तो ये नहीं है, फोर से शुरू हो रहा था, अभाज्य संख्या है तो लिखते हैं ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। फिर परिमेय और अपरिमेय, तो ये परिमेय संख्या भी है, ये परिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। तो इस दो को देखिए कितने प्रकार से बुलाया जा सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय को विस्तार रूप से पढ़ के देखते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं देखिए पहले कुछ संख्या को भाग कर लेते हैं। देखिए ये रहा एक बटे तीन, सात बटे आठ और ये एक बटे सात है। ये तीन संख्या है उसको हम विभाजित करते हैं, भाग देते हैं इसको। तो पहले एक बटे तीन को भाग देते हैं, एक बटे तीन मतलब तीन यहाँ एक यहाँ, ठीक ना। भाग देंगे तो ये संख्या नहीं जा रहा है तो यहाँ पर पहले एक दशमलव लगाएंगे, एक दशमलव लगाया यहाँ जीरो मिल गया, ठीक ना। अब पढ़ेंगे तीन त्रिकाई नौ, फिर दस में से नौ गया एक, दशमलव लग गया तो एक जीरो मिल जाएगा। फिर तीन त्रिकाई नौ, फिर एक जीरो, तो तीन त्रिकाई नौ ऐसे ही अब हमको मिलता चला जाएगा, ठीक ना। शेष फल एक मिलता चला जाएगा, ठीक ना, ये समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक। फिर इसको देखते हैं, इसको पहले भाग दे लेते हैं सात और एक, ठीक ना। भाग देंगे नहीं जा रहा है तो इसको क्या दशमलव लगा लेंगे तो जगह सात एक कम सात, तीन दस, सात चौक अट्ठाईस, उनतीस तीस, सात दुनी चौदह, छ जीरो, सात अठे छप्पन, चार जीरो पैंतीस, ठीक ना, पाँच जीरो, सात सते उनचास, एक पचास। देखिए ये एक वापस आ गया, ठीक ना। इसी प्रकार हम इसको लेते चले जाएंगे तो ये हमको मिलता ही चला जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर यही चौदह अट्ठाईस सत्तावन ऐसे मिलता चला जाएगा, ठीक ना। अब सात बटे आठ को विभाजित करके देखते हैं तो ये रहा सात आठ, ठीक ना। ये हो गया जीरो, तो हो गया आठ अठाई चौंसठ, घटा दिए छः आ गया, एक जीरो लगा लिया, सात अठे छप्पन, आठ सत्ते छप्पन, ये हो गया चार, जीरो आठ पंचे चालीस। तो देखिए ये समाप्त हो गया, ठीक ना। ये संख्या जब हमने भाग किया तो पूरी तरह से फल जीरो हो गया तो ये खत्म हो गया, ठीक ना। तो देखिए अब इसको कुछ नाम से देखिए, इसमें क्या हुआ कि किसी एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, ठीक ना। समाप्त तो नहीं हो रहा था मगर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब तीन 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 आ रहा है।
जब इसको भाग दिया तो एक अंकों की समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, 14, 28, 57 आता चला जाएगा। तो एक अंकों के एक समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक ना, समाप्त तो नहीं हो रहा है मगर एक अंक की पुनरावृत्ति या अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है। इसमें देखते हैं तो ये ना समाप्त हो गया, तो ऐसे दशमलव को शांत दशमलव भिन्न बोलते हैं। तो ये हो गया शांत दशमलव भिन्न, शांत दशमलव भिन्न, ठीक ना। और ये है समाप्त नहीं हो रहा है, मतलब समाप्त तो नहीं हो रहा है पढ़ा मगर पुनरावृत्ति हो रही है, तो इनको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती, ठीक ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग, ठीक ना, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, ठीक ना। अनवसानी आवर्ती मतलब समाप्त तो नहीं हो रहा है मगर पुनरावृत्ति हो रही है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब समाप्त तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है मगर रिकरिंग तो हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो ऐसे दशमलव भिन्नों को जो अनवसानी आवर्ती है, शांत दशमलव है, इन्हीं को परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक ना, ये हो गया, इन्हीं को परिमेय संख्या बोलते हैं। और अपरिमेय संख्या को देखते हैं, मैंने यहां जैसे पहले उदाहरण में मैंने बताया था अपरिमेय संख्या कर्णी 2, कर्णी 5, कर्णी 3, पाई, ये सब संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो क्यों होती है वो देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने पाई कर्णी 2 का दशमलव के बाद कुछ स्थान तक मान लिखा है और पाई का भी दशमलव के बाद कुछ स्थान तक मान लिखा है, ठीक ना। अब इसके को देखते हैं, देखिए क्या है, दशमलव के बाद देखिए समाप्त तो नहीं हो रहा है, इसको जितनी बार भाग ले जाएंगे कुछ न कुछ आता जाएगा, शेषफल जीरो नहीं होगा, इस प्रकार ये अनवसानी है, ठीक ना, नॉन टर्मिनेटिंग तो हुआ मगर इसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और ना अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक ना। देखिए अगर यहाँ पर 41 41 41 से आया होता या 414 414 4141 41 आया था तो इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ठीक ना। इसी प्रकार करनी पाई में भी देखते हैं, पाई में भी यहाँ देखिए कोई भी चीज़ की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है और ना ही ये समाप्त हो रहा है, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती, ठीक ना, अनवसानी अनावर्ती, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक ना, ना तो ये समाप्ति हो रहा है और ना ही पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए ऐसे चीजों को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या इसलिए इनको बोलते हैं। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा, पाई, ठीक ना, तो पाई को देखते हैं, पाई बराबर 22/7 होता है, ठीक ना। तो अब देखिए इसको ना अपरिमेय संख्या होती है मगर जब 22/7 को चेक करेंगे तो ये परिमेय संख्या होती है। तो देखिए ऐसा क्यों, पाई का ही मान 22/7 होता है, पाई अपरिमेय संख्या हो गई और 22/7 परिमेय संख्या होगी, तो ऐसा कैसे, देखिए पाई का मान ही 22/7 होता है, तो जो मान जो अगर ये अपरिमेय है तो ये परिमेय होने, इसको भी अपरिमेय होना चाहिए था, ये परिमेय है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए था,
तो देखिए ऐसा होता है, देखिए पाई का जब एग्जैक्ट मान ज्ञात करते हैं तो ये आता है, तो इसको जब देखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है ना। और जब 22 बटे 7 का जब भाग देंगे तो देखिए इसमें क्या आता है, 7 3 21, 7 1 7, 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, मतलब 14 28 57, 14 28 57, ठीक ना। तो ये पुनरावृत्ति होती है, ये अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है। देखिए एक्चुअली पाई का ये एग्जैक्ट मान सही सही मान नहीं होता, ये पाई का निकटतम मान होता है, इसलिए जब इसको भाग देते हैं तो अंकों की पुनरावृत्ति शुरू हो जाती है, अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो गई। और चूंकि अंकों की पुनरावृत्ति अंकों के समूह की पुनरावृत्ति हो गई, इसलिए ये अपरिमेय संख्या न होकर परिमेय संख्या हो गई। और पाई का जब मान एग्जैक्ट मान निकालते हैं तो ये आता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक ना। तो ये हो गया। तो आज हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा, संख्याओं के सभी जिस प्राकृतिक संख्या से वास्तविक संख्या का अध्ययन किया। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के संग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।